माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ सरोजनी नगर के बाबू मार्केट। हाँ जी, सरोजनी नगर में ही बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ है बाबू मार्केट। बहुत सुना उसके बारे में, मैंने कभी देखा नहीं, तो जस्ट आज मैं एक्सप्लोर करूंगी आप लोगों के साथ में ही। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसा होगा वो मार्केट, किस टाइप का है, तो देखते हैं कैसा होता। बट मार्केट जाने से पहले ना कुछ चीजें मैं पैक कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आप लोगों को भी दिखा दूं। तो जैसे कि सैनिटाइजर्स जो आजकल बहुत जरूरी है, और ये दो टाइप के सैनिटाइजर तो मुझे चाहिए ही होते हैं। तो मैं आजकल जो सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ। दोनों ही मेरे पास गुड वाइब्स का सैनिटाइजर है, एक ये लिक्विड वाला है, एक ये जेल वाला है। तो लिक्विड वाला मैं रखती हूँ मेन इस टाइप की बोतल में, इसे पोर कर लेती हूँ। ये हाफ लीटर की बोतल है और इसकी MRP जो है 250 रुपीज है, और ये अल्कोहल के साथ है, 70% इसमें अल्कोहल है। तो ये मैं सीट सैनिटाइज करने के लिए रखती हूँ, जैसे मैं कैब से जाती हूँ तो सीट वगैरह सैनिटाइज कर लेती हूँ उसके लिए रखती हूँ। तो बस मैं आप पोर कर लेती हूँ उसे अपनी इस तरीके की बॉटल में, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो लो जी, मैंने कर लिया इसमें से पोर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये मुझे बहुत जरूरी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे करना होता है। कि पहले भी मैं एक से दो बॉटल मंगवा चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। 250 रुपीज इसकी MRP, बट गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे purple.com पे, और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जो है आपको purple.com पे ही मिलेंगे, उन पे डिस्काउंट भी काफी अच्छा चल रहा है। तो आप अगर ये सैनिटाइजर लेना चाहते तो आप purple.com से ले सकते हैं। देन जो है मेरे पास ये जेल वाला सैनिटाइजर है, तो ये हैंड वगैरह सैनिटाइज करने के लिए मैं रखती हूँ। तो मैं हमेशा ये छोटू वाली बॉटल जो होती है ना, ये वाली, मैं ये वाली बॉटल रखती हूँ डिटॉल वाली, और इसमें ही पोर कर करके ले जाती हूँ बस। बट मार्केट के लिए छोटू वाली अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत छोटी है और पॉकेट में डालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, आराम से। इसे तो मैं अपनी जींस की पॉकेट में भी डाल लेती हूँ, इसे बैग में रखती हूँ। तो मेरी दोनों बॉटल जो है तैयार हो गई है, जो सैनिटाइजर की है। वैसे तो पता ये कोई जरूरी नहीं है सब चीज दिखाना, बट मुझे लगता है कि अगर मेरे को अफोर्डेबल चीजें जो है वो लगा रही हूँ और वो अफोर्डेबल प्राइस में, क्यों ना मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। जो आजकल जो मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, वो मैं ये मामाअर्थ की हाइड्रा जेल सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, जो आता है, मुझे काफी अच्छा लगा ये। और सनस्क्रीन कितना ज्यादा जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसकी MRP है ना 399, बट आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो बहुत क्विकली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो चीजें आज मैंने यूज कर रखी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और जो मैंने लिपस्टिक यूज कर रखी है, वो मैंने एसटी क्वर्की की जो मिनी वाली लिपस्टिक आती है ना, इसमें 12 शेड्स आते हैं, इनमें से ही मैंने कलर चूज कर रखा है, लगा रखा है। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे आप बहुत मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें से ये पिंक टाइप का जो कलर है वो चूज करके लगाया हुआ है, और ये वाली बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। MRP जो है 399 है, बट आपको purple.com पे इस पे भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लेते हैं तो। और इन सभी की ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जिससे आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अपने फेस पे जो क्रीम यूज की है, मैंने बीबी क्रीम यूज की है एस्टो करके, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस जो है वो है 249, बट इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक 200 के अंदर भी आप लोगों को ये पड़ सकती है। और ये अच्छी इसलिए लग रही है फेस पे, क्योंकि मैंने इसके पहले प्राइमर लगाया हुआ है, और मैंने से प्राइमर लगाना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि हाँ प्राइमर के बाद अलग ही लुक आता है, बीबी क्रीम या कुछ भी सीसी क्रीम लगाते हो तो मैंने जो प्राइमर यूज किया है, ये VNYV का प्राइमर, ये मेरी सेकंड परचेज है VNYV का प्राइमर जो है। इसके पहले मैंने एक और लिया था, वो मेरा खत्म हो चुका, बहुत बहुत अच्छा है, हाईली सजेस्टेड है, आप लोगों को जरूर लेना चाहिए ये वाला प्राइमर, बहुत अच्छा है ये वाला प्राइमर। इस प्राइमर का मैं प्राइस बता दूं आप लोगों को, तो ये 235 का है, बट ये आपको 170-180 रुपीज में इजिली पड़ जाता है purple.com से लेने पे। देन जो कॉम्पैक्ट यूज किया वो मैंने यूज किया ये फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट, और ये SPF 20 के साथ में है। इसका प्राइस जो है 199 है, ये भी आपको कुछ ना कुछ ऑफ पे ही मिल जाएगा। तो ये तो होगी कुछ अपडेट। देन काजल भी मैंने स्टिक वर्की का ही बेडस काजल जो है वो यूज कर रखा है। तो गाइस, अब चलते हैं सीधे मार्केट, बहुत बकबक कर ली मैंने। मार्केट जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्यों रुके हुए अभी तक। तो चलते हैं सीधे मार्केट में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर की बाबू मार्केट, और यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आप लोग को पड़ेगा सरोजनी नगर। हाँ जी, सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन, जैसे कि आप सरोजनी नगर मार्केट आते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको बाबू मार्केट भी आना है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो। बिल्कुल सरोजनी नगर के पास में ही है, आपको मेट्रो स्टेशन से उतरना है, देन आपको, आप चाहे तो गेट नंबर 1 से भी एंटर कर सकते हैं इस मार्केट में, नहीं तो आप गेट नंबर 5 से भी एंटर कर सकते हैं। मैंने एंटर किया था गेट नंबर 5 से,
तो गाइस मैं भी पहली बार आई हूँ इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। इस मार्केट के बारे में काफ़ी सुना था मैंने और मैं आई हूँ तो मैं साथ में आप लोगों को भी लेकर आई हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्सप्लोर करें मार्केट एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी ही मेरी वीडियो की और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए। तो गाइस एंटर करते हैं मार्केट में, देखते हैं यहाँ का कलेक्शन। तो मार्केट में एंटर करते ही बाहर मुझे इस टाइप से यहाँ पे देखिए बैग मिलते हुए, यहाँ पे आप टोट बैग, स्लिंग बैग एंड ये क्लचेस भी मिल जाएंगे। 100 रुपीज से ये क्लच मिल रहे थे एंड 200 एंड 250 रुपीज में ये सारे बैग्स का कलेक्शन था। यही पास में था ये फुटवेयर का स्टॉल, यहाँ पे 200 रुपीज में फुटवेयर मिल रहा था। इसमें काफी सारी जूतीज थी एंड इस टाइप से स्लीपर्स भी मिल रही थी। तो गाइस इसके पास में इस टाइप से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जिससे आप ऊपर चढ़ेंगे और एक पूरे एरिया में ये पूरी मार्केट लगती है। सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर सारी ये मार्केट लगती है। तो गाइस मैंने कर लिया एंटर यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉल मुझे दिखा ये था बॉयज टी शर्ट का। तो यहाँ पे 200 एंड 250 रुपीज में बॉयज की टी शर्ट्स मिल रही थी और इस वीडियो में मैं बॉयज एंड गर्ल्स किड्स सभी का कलेक्शन एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो अगर कोई बॉयज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पास में ये शॉप नंबर 60 थी, यहाँ पे आपको 350 रुपीज में कुर्तीज मिल जाएंगी जैसा कि सरोजनी मार्केट में भी मिलती हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की 350 रुपीज में कुर्तीज मिल रही थी, कलर ऑप्शन काफी सारे थे एंड प्लाजो सेट भी थे जो आपको अंदर दिख रहे होंगे, उनके प्राइस 500 से स्टार्टिंग थी। यहाँ पे भी आपको सरोजनी की तरह 100 रुपीज की टी शर्ट मिलती हुई दिखेंगी जैसे कि मुझे ये दिख रही है 100 रुपीज की टी शर्ट। यहाँ पे कलर ऑप्शन काफी सारे थे एंड साइजेस मुझे थोड़े से कम लग रहे थे। आगे चलते ही मुझे मिली है कि ये शॉप नंबर 59, यहाँ पर कुर्ती और प्लाजो के सेट मुझे काफी अच्छे लगे। मैंने ऐसे कुर्ती प्लाजो के सेट जो थे इतने कम प्राइस में लाजपत एंड सरोजनी कहीं में नहीं देखे। 350 रुपीज में ये कुर्ती और प्लाजो का सेट था, कलर ऑप्शन बहुत सारे थे एंड डिजाइन भी बहुत सारी अवेलेबल थी इनके पास में। ₹350 केवल इनका प्राइस था, ये बहुत अच्छे लगे। शॉप नंबर 59 अगर आपको लेना हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके ले सकते हैं। एंड इनके पास में ना ये अनारकली भी थे जो 450 की रेंज में थे एंड ये कोटी वाले सूट भी थे जो भी 400 एंड 500 की रेंज में थे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन लगा मुझे इन सारी ड्रेसेस का जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ब्लैक वाली कुर्ती तो बहुत अच्छी लग रही थी एंड इसके पास में ही एक भैया बैठे हुए थे, ये सूट पीसेस बेच रहे थे 200 एंड 250 रुपीज में। इनके पास कॉटन के सूट पीसेस थे, ये भी काफी अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। इसी लाइन में मुझे दिखा एक कॉल स्टॉल जहाँ पे टी शर्ट्स मिल रही थी 150 रुपीज की रेंज में और टी शर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी लगी। साइजेस बहुत सारे थे इनके पास में एंड कलर ऑप्शन भी बहुत सारे थे, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था टी शर्ट्स का। और यहाँ पे ना सरोजनी के मुकाबले मुझे रस थोड़ा सा कम दिखा और मुझे लगता बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई बाबू मार्केट भी लगता, मुझे भी नहीं पता था। देन मुझे पता लगा तो मैंने सोचा एक्सप्लोर करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए। बट सरोजनी के मुकाबले मुझे क्वालिटी काफ़ी, मतलब सरोजनी की तरह ही क्वालिटी लगी, कई जगह तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी सरोजनी से। यहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे 150 रुपीज में टॉप एंड पजामे के स्टॉल मिलेंगे, इस टाइप से स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सारे पजामे एंड टॉप्स मिल जाएंगे 150 की रेंज में।
इतना ही नहीं, यहाँ वेस्टर्न वियर का भी काफी अच्छा कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ये मिली मुझे शॉप, यहाँ पे टॉप का कलेक्शन बहुत अच्छा था, 200 रुपीज से स्टार्टिंग थी टॉप की एंड बहुत सारे डिजाइन में टॉप अवेलेबल थे, उनके सभी के प्राइस डिफरेंट थे। अभी आप लोग बोलेंगे आप प्राइस डिफरेंट बता देती है, प्राइस नहीं बताती, तो यार मुझे भी प्राइस नहीं बता रहे थे वो लोग, स्टार्टिंग प्राइस बता दिया, सभी के प्राइस नहीं बताया उन्होंने मुझे। तो बहुत सारे टॉप्स थे इनके पास, ड्रेसेस भी अवेलेबल थी, वन पीस इनके पास में 250 रुपीज से ड्रेसेस की स्टार्टिंग थी। एंड क्या जीन्स भी मिल जाएंगी आपको, अच्छी वाली क्वालिटी के जीन्स मिल जाएंगे, 350 रुपीज से स्टार्टिंग थी। आगे चलते हैं, मुझे दिखी है कि ये शॉप नंबर था 120। यहाँ पर बच्चों के कपड़ों का ना बहुत ह्यूज कलेक्शन था, आप देख सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं हैंगर था, इस पूरे हैंगर में जो भी फ्रॉक लगी हुई है 250 रुपीज की रेंज में थी, वो काफी अच्छी फ्रॉक थी, आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको जो लगी हुई फ्रॉक्स दिख रही हैं सारी, वो सारी ड्रेसेस जो थी वो सब अलग अलग प्राइस की थी, उनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की ही पार्टी वेयर ड्रेसेस का कलेक्शन इनके पास अवेलेबल था, प्राइस सभी के डिफरेंट थे, 250 रुपीज से स्टार्टिंग थी इनके पास में। यहाँ पे आपको इस टाइप से मेहंदी लगाने वाले भैया लोग भी मिल जाएंगे, जो 100 रुपीज पर हैंड चार्ज करते हैं और यहाँ पे इस टाइप से बैठे रहते हैं, जैसा कि लाजपत नगर मार्केट में होते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे काफी जगह पे इस टाइप से 200 रुपीज में प्लाजो, जैसा कि सरोजनगर मार्केट में भी आपको दिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 200 रुपीज में काफी सारे प्लाजो भी मिल जाएंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को ये मार्केट? मुझे तो अभी तो अच्छा लग रहा है, और आगे देखते हैं और क्या क्या नया नया मिलता है। अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दो मेरे वीडियो को, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो पहले मेरे चैनल को। तो गाइस आगे चलते हैं, मुझे दिखा ये एक और स्टॉल, यहाँ पे ना बेबी गर्ल्स की कितनी क्यूट क्यूट फ्रॉक मिल रही है यार, ये ओनली 250 रुपीज की रेंज में थी सारी फ्रॉक जो आपको दिख रही हैं, और कॉटन की फ्रॉक थी, कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं, और सारी फ्रॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो स्टॉल है ना, इस शॉप नंबर 117 के अपोजिट में है यहाँ पे ये स्टॉल। यही देखिए मुझे एक और दुपट्टे की शॉप, यहाँ पे काफी सारे कलर्स एंड डिजाइन में दुपट्टे अवेलेबल थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, 200 रुपीज से दुपट्टे की स्टार्टिंग थी, शॉप नंबर था 114, 114 नंबर शॉप थी, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे थे एंड शॉप के अंदर टॉप का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे मुझे एक बॉयज के लिए बहुत अच्छी शॉप दिखी, जहाँ पे बॉयज पार्टी वेयर ड्रेसेस का बहुत अच्छा कलेक्शन था, एंड जैसे कि शादी में पहनने के लिए भी, उन मैरिज पर्पज के हिसाब से भी इनके पास सारा कलेक्शन अवेलेबल था, वेस्ट कोट, कोट पैंट एंड जीन्स पैंट सब कुछ मिल रहा था। वेस्ट कोट बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के थे इनके पास में, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन के थे यहाँ पे, विंटर एंड समर दोनों के ही वेस्ट कोट मिल जाएंगे, कोट पैंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे, ब्लेजर भी मिल जाएंगे इनके पास में। और फिर बोलेंगे प्राइस नहीं बताया आपने, तो भैया प्राइस नहीं बता रहे थे, हमें बस कलेक्शन दिखा रहे थे, बार्गेनिंग कर देते हर चीज पे, इसलिए प्राइस मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। यहाँ पर आप बैंगल्स भी मिल जाएंगी इस वाली मार्केट में, और ये 100 रुपीज की रेंज में थी, बैंगल्स और कड़े सभी मिल रहे थे 100 रुपीज की रेंज में थे। इस टाइप से स्टॉल लगा हुआ था, और मार्केट में थोड़ा बहुत घूमेंगे तो मिल जाएगा,
ये मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, सरोजनी की तरह बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मार्केट है, बट यहाँ पे कलेक्शन आपको मिल जाएगा ठीक ठाक सा। यहीं पे ये इयररिंग्स मिल रहे थे 100 रुपीज की रेंज में इयररिंग्स, इसमें सिल्वर एंड गोल्डन दोनों टाइप के इयररिंग्स है, झुमके भी मिल रहे थे। ये मुझे देखिए ये शॉप यहाँ पे नाइट सूट मिल रहे थे 350 रुपीज से क्वार्टर नाइट सूट की स्टार्टिंग थी, नाइटीज भी मिल रही थी शॉप के अंदर एंड और बहुत सारे नाइट सूट भी इनके पास में अवेलेबल थे। तो गाइस मुझे एक दिखिए फुटवेयर की शॉप, भाई इतनी भीड़ थी इस फुटवेयर की शॉप पे, भीड़ मची हुई थी, लोग चिल्लाए जा रहे थे, इतना बढ़िया वाला कलेक्शन था। 200 रुपीज में फुटवेयर का कलेक्शन था, जो भी शॉप के बाहर आप लोगों को दिख रहा है, बहुत प्यारा कलेक्शन था। यहाँ पे 200 रुपीज में आपको पार्टी वेयर सैंडल्स भी मिल जाएंगी, जूतीज भी थी और सिंपल स्लीपर्स भी थी, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था जो आप देख रहे हैं। और भीड़ मची हुई थी, लोग लिए जा रहे थे और शॉप के अंदर भी बहुत ही अच्छा वाला कलेक्शन था। यहाँ पे शॉप का नाम था fashion.com और 300 रुपीज से स्टार्टिंग थी शॉप के अंदर फुटवेयर की, बट फुटवेयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे लगे यहाँ पे। ये था बाबू मार्केट का वीडियो और मैंने सब कुछ पूरा दिखाने का कोशिश की आप लोगों को, हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। आई होप आप लोगों को, मुझे तो सही लगी ये मार्केट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा और ये मार्केट आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।